हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राज गुप्ता। हम लोग कर रहे हैं शेयर कैपिटल। हम लोग अपनी लास्ट वीडियोस में इशू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश होता क्या है। जब कंपनी कोई एसेट परचेज करती है, जब कंपनी एसेट परचेज करती है, वैसे तो वो कैश में पेमेंट करती है। कई बार क्या होता है कि कंपनी कैश में पेमेंट करने की बजाय उसके बदले शेयर्स इशू करती है। इन स्पाइट ऑफ पेमेंट इन कैश कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है। इसे क्या कहते हैं, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। तो इसमें कंपनी शेयर तो इशू कर रही है बट उसके बदले कैश रिसीव नहीं कर रही, और ना ही ये जो शेयर्स हैं पब्लिक एट लार्ज को इशू किए जाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसकी जर्नल एंट्रीज होती हैं और किस तरह से हम लोग अभी करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच वर इशू टू द एक्स लिमिटेड फ्रॉम होम एसेट्स वर परचेस्ड। एसेट परचेस्ड कितने के, 25,000 के। ठीक है, वी आर टू पास द जर्नल एंट्री। पॉइंट क्लियर है, 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, एसेट हमने परचेज किया 25,000 का, तो जब हमने एसेट परचेज किया तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड से हमने एसेट परचेज किया कितने का, 25,000 का। पॉइंट क्लियर है, एसेट्स आया, एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर कौन है, एक्स लिमिटेड टू एक्स लिमिटेड। ठीक है, अब हमने एक्स लिमिटेड को 25,000 पे करना था बट हमने क्या किया, हमने उनको 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच दिए हैं। ठीक है जी, तो एंट्री कैसे आएगी। हाँ जी, 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो गए 20,000 के, और जो 5000 बैलेंस हुआ दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, तो इस तरह से हम जर्नल एंट्री करेंगे। हमने उनको 25,000 पे करना था बट वी पेड ओनली 20,000 बिकॉज दी शेयर्स वर इश्यूड एट प्रीमियम। हाँ जी, क्वेश्चंस को समझ समझ के करना है और पॉज करके आपने खुद करके देखना है। अमृत धारा लिमिटेड इश्यूड 800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, कितने के हो गए, 80,000, एट अ प्रीमियम 25% एज फुली पेड इन कंसिडरेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन कितने का है, 1 लाख रुपीज का। तो हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज। पहली एंट्री क्या होगी, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट टू अमृत धारा या टू वेंडर अकाउंट, कितने की, 1 लाख रुपीज। हमने प्लांट एंड मशीन कितने की बाय की, 1 लाख रुपीज की। वो जो 1 लाख रुपीज हमने वेंडर को अमृत धारा को पे करने हैं, उसके बदले हमने क्या किया, 8,000 क्या किया, 800 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कितने हो गए, 80,000 की इक्विटी दे दी। ठीक है, बाकी जो बचा 20,000 हमने क्या किया, प्रीमियम पे किया। पॉइंट क्लियर है, 20,000 कितना प्रीमियम था, 25%, तो इसका 25% आ गया 25 रुपीज। ठीक है जी, तो जैसा क्वेश्चन में लिखा है हमने बिल्कुल वैसा ही किया। हमने 800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 80,000 हो गए, देन एट अ प्रीमियम 25%, तो इसका 25% भी 20,000 आ रहा है, इसका 25 भी 25 रुपीज पर शेयर आ रहा है। ठीक है, आप इसका 25 भी कर सकते हो, इसका भी 25% कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, राजन लिमिटेड परचेज एसेट फ्रॉम गीता एंड कंपनी, कितने के एसेट परचेज किए, 5 लाख रुपीज के, जिसमें से 1 लाख रुपीज तो उन्होंने बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर दी, जो बाकी 4 लाख रुपीज बचे हैं
वो 10 रुपये का शेयर एट अ प्रीमियम 25% लिखा है, पर ये जरूर देखना है प्रीमियम 25 रुपीज़ है या परसेंटेज है। अगर परसेंटेज है तो 10 का 25% 2 रुपये 50 पैसा हो गया। अगर यहाँ रुपी लिखा है तो इट मीन्स कि प्रीमियम ही 25 हो गया, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी आपने, ठीक है। तो एसेट हमने कितने का परचेज किया, 5 लाख रुपीज़ का। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी 5 लाख रुपीज़, क्योंकि हमने 5 लाख पे करने हैं। अब जो उनको 5 लाख पे करने थे उसमें से हमने 1 लाख रुपीज़ का ड्राफ्ट दे दिया, तो इट्स गीता एंड कंपनी टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट दिया है टू बैंक अकाउंट। अब गीता को हमने देने थे, पे करने थे 5 लाख रुपीज़, बट वी हैव ऑलरेडी पेड 1 लाख रुपीज़, तो 4 लाख जो बच गए हैं उसके बदले हम क्या करेंगे, उसको जो इक्विटी इशू करेंगे। अब जो 4 लाख की हम इक्विटी है, कैसे, नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं। तो मैंने बताया ना 10 का 25% 2 रुपीज़ 50 पैसा, तो 4 लाख को आप डिवाइड करोगे किससे, 12.50 से, ठीक है जी। हाँ जी, ये आ गया 32,000 पॉइंट, क्लियर। कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रही है, 32,000 कितने का, एक है 10 रुपीज़ का, तो कितना आ गया 3,20,000। और जो प्रीमियम है 32,000 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 80,000, पॉइंट क्लियर है। तो ये आ गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, पॉइंट क्लियर। गीता एंड कंपनी को हमने 5 लाख पे करने थे, 1 लाख हमने उसको चेक दे दिया, बैंक ड्राफ्ट दे दिया, 4 लाख की इक्विटी दे दी। अगर डिस्काउंट होता, अब तो शेयर कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं करती है, तो अगर होता तो हम इसे माइनस करते, प्रीमियम है तो प्राइस बढ़ गया, दैट्स वाई हम इसे प्लस करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जेड लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर 2,20,000 फ्रॉम सीडी लिमिटेड। फर्नीचर कितने का परचेज किया, 2,20,000 का, जिसके बदले हमने 9% प्रेफरेंस शेयर्स लिखने हैं। तो 9% है तो आपने परसेंट प्रेफरेंस शेयर जरूर लिखना है, ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम 10। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स लिखा है तो हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देंगे, इक्विटी शेयर होता तो इक्विटी शेयर। तो ये दोनों जो है सोर्स ऑफ फाइनेंस है, किसके, कंपनी के। तो 2,20,000 पहले यहाँ पे हमने एसेट अकाउंट डेबिट टू सीडी लिमिटेड, हाँ जी, अमाउंट कितनी आ गई, 2,20,000। एसेट कितने का आया, 220 का, ठीक है। सीडी लिमिटेड को क्रेडिट करना है बिकॉज वी आर टू पे 2,20,000 टू सीडी लिमिटेड। अब जो 2,20,000 है उसके बदले हमने क्या किया, एक प्रेफरेंस इशू किए, तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो 100 रुपीज़ का एक शेयर है, 10 रुपीज़ प्रीमियम आ गया, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 110, ठीक है जी। तो ये आ गया 2,000, पॉइंट क्लियर। तो 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स हमने इशू किए, एक कितने का, 100 का, टोटल अमाउंट 2,00,000, 2,000 × 10, एक शेयर पे सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपीज़, 2,000 पे 20,000। तो इस तरह से हमने एंट्री करनी है। तो आपने यहाँ पे बीइंग भी लिखना, मैं हर बार कहती हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिख के बता रही हूँ। लाइट्स लैंप लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एज फुली पेड अप टू द प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज टू सेट अप द कंपनी। अब प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कंपनी को स्टार्ट करते हैं, दे आर नोन द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। बाद में यही लोग कंपनी के अगर कंसेंट दे तो क्या बनते हैं, डायरेक्टर्स बनते हैं। तो जो प्रमोटर्स हैं उनको कंपनी ने क्या किया, शेयर्स इशू किए हैं 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड टू द प्रमोटर। तो हमने 50,000 ऑफ ₹10 ईच, ठीक है,
तो 5 लाख के हमने उनको क्या दिया है, शेयर कैपिटल इशू की किसको दी है, प्रमोटर्स को। अब प्रमोटर्स को डेबिट करेंगे नहीं, इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सर्विसेज के बदले हमने उनको पे किया, अदरवाइज हम उनको कैश पे करते, कैश की बजाय हमने क्या किया, शेयर कैपिटल दी है। तो अगर हम कैश पे करते हम लिखते इन कॉरपोरेशन एक्सपेंस टू कैश, बट हमने प्रमोटर्स को कैश देने की बजाय शेयर कैपिटल इशू की है, सो दैट्स वाई इन कॉरपोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इट आल्सो इशू 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द अंडरराइटर। अब अंडर राइटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स इश्यू करवाते हैं, तो कंपनी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब उन अंडर राइटर्स को हमने कमीशन भी देनी है, तो हमने जो 2000 शेयर्स हैं अंडर राइटर्स को दिए हैं, पहले हम ड्यू की एंट्री डालेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर्स अकाउंट, कितना आ गया 20,000। ठीक है जी, अब जो अंडर राइटर्स थे 20,000, उनको हमने क्या किया, शेयर कैपिटल इशू कर दी, कैश नहीं दिया हमने उनको, क्या किया, शेयर कैपिटल इशू कर दी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर टाइप में आते हैं और आने बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, हाँ जी, अब हम कर रहे हैं भारत लैंप लिमिटेड इशू 30,000 शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ द एसेट। पहले क्या था, हम कोई एक एसेट परचेज कर रहे थे, तो हम लोग कर रहे थे एसेट टू वेंडर, बट यहाँ पे हम लोग एक एसेट परचेज नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं। तो बिजनेस परचेज कर रहे हैं, उसमें प्लांट भी आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, स्टॉक आ गया, इवन उनकी लाइबिलिटीज भी हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लांट लिए 7 लाख का। ठीक है, प्लांट कितने का है, 7 लाख रुपीस का। हाँ जी, 7 लाख का हो गया प्लांट। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख की। ठीक है जी, स्टॉक हो गया 9 लाख का, पॉइंट क्लियर। और लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स हैं 2 लाख के। ठीक है, तो हमने उसका बिजनेस परचेज किया, तो बिजनेस देखें 16 लाख, 28 लाख, माइनस 2 लाख, 26 लाख। वी आर टू पे 26 लाख, बट हम उसे कितनी अमाउंट पे करने के लिए तैयार है, हम लोग उसको 30,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि हम उसे 30 लाख रुपीस पे करने को तैयार हैं। हमने पे कितना करना था, 26 लाख, तो 4 लाख हम उसको ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं, डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है। तो ये जो 4 लाख हम उसको ज़्यादा पे कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ गुडविल। पॉइंट समझना है कि जो हमने उनको एसेट्स बाय किए, एसेट्स हमने बाय किए 28 लाख के, लाइबिलिटी उसकी 2 लाख की है, तो 26 लाख के हमारे पास एसेट्स आ रहे हैं, हमें 26 लाख पे करना है, बट वी आर पेइंग 30 लाख, इट मीन्स कि हम ज़्यादा पे कर रहे हैं किसी को, अगर हम ज़्यादा पे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ गुडविल। अगर हम उसे कम पे करते तो इस साइड बैलेंस आना था, वो किस में जाना है, कैपिटल रिजर्व। अगर हम किसी को पे करना है 26 लाख, बट हम पे कर रहे हैं 24 लाख, 2 लाख का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हम कहाँ पे डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में। पॉइंट समझ आ गया, अगर हम किसी को ज़्यादा पे कर रहे हैं तो गुडविल जाएगी, कम पे कर रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व। आप ऐसे भी कर सकते हो, डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो गुडविल आ रही है, क्रेडिट में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ठीक है, तो हमने शमा एंड कंपनी को 30 लाख रुपीस पे करने थे, तो हम उसको 30 लाख के क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स 7 लाख, लाइबिलिटीज 2 लाख फ्रॉम संचार फॉर अ परचेज कंसिडरेशन 4,59,500। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम, तो 7 लाख के एसेट्स हो गए, ठीक है, और 2 लाख की लाइबिलिटीज होगी, हमने उसको 5 लाख पे करना था, हम लोग पे कर रहे हैं 4,59,500, तो
कम पे कर रहे हैं तो जो बैलेंस है वो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व होगा। पहले ये पॉइंट क्लियर कर लो, ठीक है। एसेट्स आगे हमारे 7 लाख रुपीज़ के, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ आ गई हमारी 2 लाख रुपीज़ की, ठीक है। हम लोग उनको पे कर रहे हैं 4,59,500, जबकि हमने उनको पे करना था 5 लाख रुपीज़। वो जो हम कम अमाउंट पे कर रहे हैं दैट इज आर कैपिटल रिजर्व, ठीक है। जो मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको पॉइंट क्लियर कर रही थी, अगर हम ज़्यादा पे कर रहे हैं तो गुडविल आएगी, कम पे कर रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व आएगा, ठीक है जी। अब संचार को हमने पे करना है 4,59,500 रुपीज़, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि 8,500 पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट, तो 8,500 का तो हमने ड्राफ्ट पे कर दिया, जो बाकी बचा उसके हमने शेयर्स इशू किए। आटा प्रीमियम 10%, 10 रुपीस का शेयर है, 1 रुपया प्रीमियम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक आएगा 8,500, ठीक है। जब हम 4,59,500 में से 8,500 माइनस करेंगे तो ये आ गया 4,51,000। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 10+1, 10 का शेयर है, 1 रुपी प्रीमियम है, 1 रुपी कैसे आया, 10 का 10%, ठीक है। 4,51,000 जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 41,000। नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 41,000 इंटू 10, 4,10,000। अब 41,000 इंटू 1, ठीक है, 1 रुपये का प्रीमियम आ गया, दैट इज 41,000, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश के क्वेश्चंस करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस इसके बनते थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैंने करवा दिए, इक्विटी भी करवा दिया, प्रेफरेंस भी करवा दिया, देन प्रमोशनल एक्सपेंस अंडर राइटिंग कमीशन का भी हो गया, देन गुडविल का एक क्वेश्चन हो गया, और ये किसका हो गया, कैपिटल रिजर्व का। तो आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो तो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होंगे, यहाँ पे जो अमाउंट है उसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करने, शेयर करने, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब करना है, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच।